रिश्ता क्या कहलाता है मैं गोइंकाज ने जो आरुही के साथ किया था, उनसे जुड़ा जो गलत फैसला लिया था नील के जाने के बाद गोइंका फैमिली में उनको वापस ना लाने का, अब वो रूही के साथ नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि अब मनीष गोइंका को लगने लगेगा कि रोहित कभी वापस नहीं आएंगे, तो अब वो चाहते हैं कि वो रूही को अपने साथ वापस ले आए, अपने गोइंका हाउस में वापस ले आए, जिससे कि वो थोड़े टाइम बाद रूही की एक बार फिर से शादी करा के उनकी नई घर गृहस्थी शुरू करवा सके। वही अब हम देखने वाले हैं फैंस की जहां पर जब दादी साहब के सामने मनीष गोइंका की ये रिक्वेस्ट आएगी तब वो इसको साफ साफ रिजेक्ट करती नजर आने वाली है, और इसके पीछे क्या रीजन होगा कि रोहित कहीं नहीं गया है, उनके इमोशंस ये बात क्लियरली सबके सामने रखते नजर आने वाले हैं। पर देखने वाली बात ये होगी फैंस कि क्या अरमान रूही को वहां से जाने देंगे या रूही वहां से जाएंगी सच में, क्योंकि एक्चुअली में वो रोहित से शादी करने के मोटिव से आई हो या ना आई हो पोदार फैमिली पर, कि अरमान के सामने अरमान के पास वो रह पाएंगी इस मोटिव से तो वो जरूर आई थी पोदार फैमिली में। तो देखने वाली बात ये होगी कि दादी साहब तो अपना फैसला इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके देने वाली है, पर रूही और अरमान का क्या फैसला होगा। जाने के लिए स्टेटस के शो ये रिश्ते क्या खिलाता है को लगातार देखते रहिए। स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।